हेलो गाइस, आई एम रमा योर इंग्लिश ट्रेनर। कल हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन की रूल नंबर 4 एंड 5 किया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद यही आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज हम लोग रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6, सम प्लूरल नाउन आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वॉवल। कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जो फॉर्म कैसे करते हैं, उनके वॉवल को चेंज करके, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या है, मैन, इसके प्लूरल हो जाएगी आपकी मेन। तो क्या किया आपने, वॉवल को चेंज किया है ई में, वुमेन, वुमेन, गूज, गीज, टूथ, टीथ, माउस, माइस, फूट, फीट, द माउस, द माइस, लॉस, लाइस। द माउस एक माउस का एक प्रकार होता है, जैसे माउस होता है उसी तरह ये भी द माउस होता है, बट इसमें कुछ फर्क होते हैं उसके स्किन्स पे। लॉस जो है वो लाइस, आपने सुना होगा जू, उसी को हम लोग लॉस या लाइस कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म लाइस होता है। गाइस नेक्स्ट है रूल नंबर 7, इसमें क्या है, टू फॉर्म द प्लूरल नाउन ऑफ कंपाउंड नाउन द कीवर्ड इज मेड प्लूरल। अब आपका कंपाउंड नाउन क्या है, अ नाउन मेड ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जिसका मतलब होता है दो वर्ड से ज्यादा या दो मिला के जब कोई नाउन बनते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे है आपका मदर इन लॉ, यहाँ पे आपका मदर भी है लॉ भी है, लेकिन आप प्लूरल किसको बनाओगे, जो आपका कीवर्ड होगा। कीवर्ड मीन्स मेन वर्ड। यहाँ बात किसकी हो रही है, मदर की बात हो रही है, तो यहाँ हम लोग प्लूरल बनाएंगे मदर को। यहाँ किसकी बात हो रही है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर की, तो प्लूरल हम लोग किसको बनाएंगे, ब्रदर को, ना कि लॉ को, ठीक है। चलिए देखते हैं, मदर इन लॉ, तो ये हो जाएगा आपका मदर्स इन लॉ। उसी तरह नेक्स्ट है आपका ब्रदर इन लॉ, तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। आपका लॉ प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, जो मेन वर्ड होंगे आपके वो प्लूरल होंगे। इसी तरह सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट है आपका स्टेप सिस्टर, मतलब तो पता ही होगा गाइस, स्टेप सिस्टर मीन्स होता है सौतेली बहन, ठीक है। तो स्टेप सिस्टर कौन है, मेन सिस्टर, स्टेप कौन है, सिस्टर है, तो मेन कौन हुई, सिस्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप सिस्टर्स। उसी तरह मेड सर्वेंट, बात किसकी हो रही है, सर्वेंट की, तो प्लूरल कौन बनेगा, सर्वेंट्स, ना कि मेड, मेड सर्वेंट्स। उसी तरह कमांडर इन चीफ, किसकी बात हो रही है, कमांडर की, प्लूरल कौन बनेगा, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। उसी तरह आपका है मैन ऑफ वॉर, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन ऑफ वॉर, है ना, मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट है हेड मास्टर, तो मास्टर की बात हो रही है और वो हेड है, तो मास्टर को हम लोग प्लूरल बनाएंगे, हेड मास्टर्स। नेक्स्ट है स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट की बात हो रही है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। और इसी में अगर आप देखिए तो लगभग मैंने आपके सारे जितने भी कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनते हैं, लगभग जो इंपॉर्टेंट होते हैं, रेगुलर यूज होता है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, जिसमें क्या है, नाउन हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। गाइस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर भी सेम होते हैं और प्लूरल भी
सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसे हम लोग प्लूरल बनाने पे भी सेम बोलते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हेयर, तो हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होगा आपका। डियर, डियर। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट ही होगा। उसी तरह श्रिम्प, श्रिम्प क्या है, एक सी फूड है जिसे हम लोग खाते भी हैं और ये सी में पाया जाता है, ठीक है। श्रिम्प, श्रिम्प सेम होगा, श्रिम्प्स नहीं होता है। उसी तरह ट्रॉट, ट्रॉट भी एक सी फिश है जिसे हम लोग खा भी सकते हैं, ठीक है, ट्रॉट्स नहीं होता है गाइस, सेम होते हैं ट्रॉट। स्वाइन, स्वाइन का भी स्वाइन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड होता है। मैंने आपको सारे रूल्स क्लियर कर दिया है, फिर भी आपको किसी भी रूल में कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, ओके। आज के लिए इतना ही, और कल नए वीडियो के साथ मैं आपके नए चैप्टर को शुरू करूंगी। थैंक्स गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।